हेलो बच्चों, द मॉडर्न गुरुकुल के इस बेहतरीन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ना है हमें, बहुपद के शून्यक के बारे में। ये शून्य बहुपद नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था शून्य बहुपद के बारे में, तो ये शून्य बहुपद नहीं है। ये बहुपद के हम इसमें पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। बताता हूं अभी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बहुपदों के आपके पास प्रकार बताए थे घात के आधार पे, जिसमें से मैंने पहला था रैखिक बहुपद, दूसरा था द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती। ऐसे ही मान लीजिए मैं एक रैखिक बहुपद ले रहा हूं 2x+5। ये एक रैखिक बहुपद है, क्यों? क्योंकि इस बहुपद में वेरिएबल की पावर चर की घात है, इसलिए क्या है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होता है, और रैखिक बहुपद का शून्यक भी 1 होता है। क्या होता है? शून्यक भी 1 होता है। भाई शून्यक क्या है? शून्यक क्या होता है कि इसमें वेरिएबल मतलब चर का ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद को 0 कर दे, 0 के बराबर कर दे। मतलब मैं इसमें इस बहुपद में x की जगह ऐसा कौन सा नंबर डालूं कि इस पूरे को हल करने पे आंसर जीरो आ जाए। तो वो जो मैं वैल्यू डालूंगा वही वैल्यू इस पूरे बहुपद का शून्य कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। और वो नंबर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं इस 2x+5 को 0 का अगर बराबर रख दूं, तो यहां से मेरा 2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2। यानी माइनस का 5/2 ही इस बहुपद का शून्यक है, यानी माइनस का 5/2 ही इस बहुपद का शून्यक है। मैंने क्या बताया था शून्य की परिभाषा में, बहुपद का शून्यक कि चर का ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद को 0 के बराबर कर दे, वो उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, वो उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो चलिए एक बार मैं -5/2 इसमें डाल के देखूं, भाई 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये 2 था x की जगह मैंने -5/2 डाल दिया, और प्लस में 5 था ही। तो देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, यहां पे बच गया -5 और ये है प्लस का 5, तो -5 और +5 आता है 0। तो यानी ये हमने बहुपद ढूंढ लिया, तो देखिए ऐसे ही हमें रैखिक बहुपद के शून्यक पता करने हैं, द्विघाती बहुपद के शून्यक पता करना है, और त्रिघाती बहुपद के शून्यक पता करना है। वैसे तो त्रिघाती बहुपद हमें पढ़ना था पर सिलेबस से हट चुका है। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो भी मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं, ये नई एनसीईआरटी जो लॉन्च हुई है उस नई एनसीईआरटी के बेस पे मैं करवा रहा हूं। कोई बच्चा पुरानी एनसीईआरटी लेके चल रहा है, बोल रहा है कि सर आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये तो क्वेश्चन हमारे बुक में है ही नहीं, है ना, या तो आपने एक्सरसाइज जो पिछले है ऐसा गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ देखिए कुछ नहीं हो रहा, मैं नई एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, और आपके पास जो बुक है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। तो आप बुक बदलिए नहीं, आप उसी बुक को रखिए, ज्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ वही आपके पेपर में आएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो आप पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको उसको टिक कर लीजिए कि ये चीजें नई वाली एनसीईआरटी में है और यही चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो मैंने क्या बताया कि कोई भी अगर रैखिक बहुपद होगा उस रैखिक बहुपद के कितने शून्यक निकलेंगे, एक शून्यक निकलेगा। देखिए इसका एक ही शून्यक निकला, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक निकलेगा, त्रिघाती का 3 शून्यक निकलेगा। और इन सभी के शून्यक भी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब एक उदाहरण करके देखते हैं कि हमने कितना सीखा, क्या क्या चीज हमें आ रही है। तो एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 2 का पहला पार्ट, करते हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि x बराबर एक पर px का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे px क्या है, बहुपद। px क्या है, बहुपद। हम किसी भी बहुपद को px के फॉर्म में, gx के फॉर्म में, fx के फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हैं, तुम पे डिपेंड करता है। पर इसमें बोला है px के फॉर्म में लिखा हुआ है तो px ही मानेंगे, ऐसा नहीं कि बदल के मैं gx कर दूं, नहीं, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही आप लिखेंगे। तो px मेरा कितना दिया हुआ है, px दिया हुआ है 5x² - 3x + 7, 5x² - 3x + 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें px दी हुई है, ठीक है। तो हमें x बराबर 1 पर इस पूरे बहुपद का मान पता करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, कि आप सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 1 पर px का मान क्या होगा, देखिए करते हैं। अब मैंने p में x की जगह 1 डालना है, क्या करना है, p में x की जगह 1 डालना है बराबर में। अब इसमें पूरा ये जो बहुपद था इसमें जहां जहां x था वहां वहां 1 डालते जाइए, 5 में 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7। तो देखिए यहां पे x स्क्वायर था तो यहां पे 1 का स्क्वायर कर दिया, यहां पे
एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे एक्स कर दिया, बाकी पॉलिनोमियल यानी बहुपद हमने वैसे ही रखा। अब इसको आप हल कीजिए, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और एक इससे गुना होगा, तो पांच माइनस तीन एकम तीन, प्लस में सेवन हो जाएगा, प्लस में सेवन हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री टू प्लस सेवन इज इक्वल टू नाइन, इज इक्वल टू नाइन, यानी एक्स बराबर एक पर बहुपद का मान नौ है, यानी एक्स बराबर एक पर बहुपद का मान नौ है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे पार्ट में हमें y की वैल्यू दो दी हुई है, यानी y की वैल्यू दो पर मुझे qy, अब यहाँ पे देखिए बहुपद को बदल दिया, px लिखा था पिछले वाले में, इसमें qy लिख दिया, हम कुछ भी लिख सकते हैं बहुपद को, पर इसी रूप में लिखेंगे। तो ये मेरा बहुपद है, इस बहुपद का मुझे y बराबर दो पे मान बताना है, तो इसका हल कैसे निकालेंगे, हल लिखिए फिर लिखिए कि y बराबर दो पर qy का मान हो क्या हो जाएगा, अब रख दीजिए इसमें qy की जगह आप क्या रखेंगे, दो बराबर क्यू वाई की जगह दो रख दिया, बराबर थ्री वाई की जगह फिर से दो रखना है, माइनस फोर वाई, फोर के बाद वाई की जगह फिर से दो, प्लस में रूट इलेवन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, दो का क्यूब कितना होता है, दो का घन आठ, यानी तीन गुने आठ माइनस चार दूनी माइनस का आठ, प्लस में रूट ग्यारह, का ग्यारह ही रहेगा। अब ये देखिए ये आठ या 24 माइनस 8 प्लस में अंडर रूट 11 ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब 24 में से 8 चला गया तो 16 बचेगा और प्लस में 11 बचेगा। अब इसको मैं और आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी y बराबर 2 पर qy का मान क्या हो जाएगा, 6 प्लस में रूट 11 हो जाएगा y बराबर 2 पर qy का मान। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि t बराबर a पर बहुपद pt का मान बताइए, बहुपद pt का मान बताइए। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, आप t बराबर a पर बहुपद pt का मान वो सब लिख देंगे, उसके बाद क्या सॉल्व करना है, उसके बाद ये लिखेंगे p बराबर, अब t की जगह आप ये रख देंगे, t की जगह आप a रख देंगे, बराबर हर जगह t की जगह a रखते जाइए, यहाँ पे t की जगह a रख दूंगा, यहाँ पे 5 t की जगह a माइनस टी की जगह 2 प्लस में 6 हो जाएगा। तो हमने जितना भी टी था उस टी की जगह ए रख दिया, यही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी पी बराबर ए पर पीटी की वैल्यू ये आएगी, पी बराबर टी पर पीटी की वैल्यू ये आएगी। यहाँ पे ब्रैकेट लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप डायरेक्ट 4a की पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं, उदाहरण नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि माइनस दो और दो बहुपद एक्स प्लस दो का शून्यक है कि नहीं, हमें क्या बताना है कि एक्स प्लस दो जो बहुपद है, इस बहुपद का ये माइनस दो और दो शून्यक है कि नहीं, ये हम कैसे बताएंगे। मैंने क्या बताया था आपको शून्यक के बारे में कि अगर मैं इसका वैल्यू, ये शून्यक होगा मतलब यहाँ पे चर की जगह अगर मैं यहाँ पे ये डालूं तो जीरो आ जाएगा, तो इस बहुपद का मान जीरो आ जाएगा, शून्य का, तो मतलब मैंने यही बताया था, तो आप एक बार देख लेंगे कि भाई जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इस बहुपद को मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैंने इस बहुपद को पी एक्स मान लिया पी एक्स बराबर एक्स प्लस दो, यहाँ पे लिख देंगे माना px बराबर x प्लस दो, ठीक है। तो एक बार x बराबर माइनस दो पर देख लेंगे क्या है, x बराबर माइनस दो जब रखेंगे तो कुछ ऐसा मुझे सिचुएशन दिखेगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी अतः माइनस दो px का शून्यक है, अतः माइनस दो px का शून्यक है। अब एक बार देख ले रहे हैं, इस पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बार ये हमारा px था ही, px बराबर कितना था, x प्लस दो। अब एक बार x बराबर दो पर देख लेते हैं कि px की वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो देख लेंगे p में एक बार ये डाल दे रहे हैं, फिर उसमें दो प्लस दो ये कितना आ जाएगा, चार, आप क्या लिख देंगे, अतः कि जीरो आया, जीरो अगर आ गया तो शून्य है, अगर नहीं आया तो शून्य नहीं है, अतः x बराबर दो जो है वो बहुपद का शून्य नहीं है, बहुपद px का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है, तो यही हमारा उदाहरण नंबर तीन था। अब उदाहरण नंबर चौथे को देखते हैं,
कह रहा है, चौथे उदाहरण में कह रहा है कि हमें एक बहुपद दे दिया है, क्या दे दिया है, बहुपद दे दिया है, एक हमें बहुपद दे दिया है 2x plus 1, और इसका हमें शून्यक पता करना है, क्या पता करना है, शून्यक पता करना है। तो देखिए इसका शून्यक कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया था किसी भी बहुपद का शून्यक पता करने के लिए उस पूरे बहुपद को जीरो के बराबर रख देंगे, उस पूरे बहुपद को जीरो के बराबर रख देंगे। तो ये जो मेरा पी एक्स था, उस पी एक्स को जीरो के जब मैं बराबर रखूंगा, उस पी एक्स को जब मैं जीरो के बराबर रखूंगा, अब जीरो आप लेफ्ट हैंड में रखिए या फिर राइट हैंड में रखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए मान लीजिए मैं पी एक्स को जीरो मान रहा हूं, मैं इसमें रख दिया, राइट हैंड में रख दिया, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/2, तो -1/2 ही इस बहुपद का शून्यक होगा। तो अतः -1/2 बहुपद px कितना है 2x plus 1 का शून्यक है, 1 का शून्यक है। तो ऐसे हम निकालेंगे इनका शून्यक। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं रैखिक बहुपद का। मैंने आपको क्या बताया था कि रैखिक बहुपद का सिर्फ एक ही शून्यक निकलेगा, सिर्फ एक ही शून्यक निकलेगा। तो रैखिक बहुपद जो होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक एक होगा। रैखिक बहुपद का शून्यक -b/a होता है। -b/a क्या है, मैंने आपको बताया था रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax plus b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप तो यही होता है, जहां पे a क्या मैंने बताया था, x का गुणांक, a क्या बताया था मैंने, a क्या बताया था, x का गुणांक, और b को मैंने क्या बताया था, b एक अचर बहुपद है, b क्या है, एक अचर संख्या है। ठीक है, तो यह है कि अचर संख्या मतलब ये वाला। तो अब अगर कोई भी बहुपद अगर रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2x, मान लीजिए 2x plus 1 दिया हुआ, ये भी एक बहुपद है। इस बहुपद में a क्या है, a क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक 2 है, a 2 है, और b क्या है, प्लस का 1, b क्या है, प्लस का 1 है। अब प्लस तो दिखाते नहीं, आप 1 लिख दीजिए, भी क्या है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुपद क्या हो जाएगा, अब इसको जीरो रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इस बहुपद का जीरो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप माइनस लिखिए, बी लिखिए, बी क्या है 1, बी क्या है 1, और ए लिखिए, ए क्या है 2, आ गया इसका जीरो, आ गया इसका शून्यक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो रैखिक बहुपद का शून्यक ऐसे निकलता है। ठीक है, अचर बहुपद की संख्या, अचर बहुपद की संख्या बटा x का गुणांक, और ये चीज जो है वो माइनस में रहेगी, ये चीज जो है वो माइनस में रहेगी। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालेंगे। ठीक, अब उदाहरण नंबर 5वां करके देखते हैं। उदाहरण नंबर 5वां क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए 2 और 0 बहुपद x square minus 2x, x square minus 2x का शून्यक है, नहीं है कि नहीं, 2 और 0, हमें 2 और 0 को बताना है कि इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो हम कैसे बताएंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें पता करना कि ये इसका शून्यक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि हम इसमें से एक बार इसकी वैल्यू इसमें पुट करके देखें, इसमें डाल के देखें, अगर इस पूरे का मान 0 आ जा रहा है तो इसका शून्यक होगा, अगर उस पूरे का मान 0 नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं होगा, उसका शून्यक नहीं होगा। तो ठीक है, एक बार कर लेते हैं इसको, हल कैसे करेंगे, हल देखिए कैसे करेंगे, हल क्या होगा इसका कि एक बार x बराबर सबसे पहले तो इस बहुपद को कुछ मान लीजिए कि माना px बराबर x square minus 2x, तो x बराबर एक बार दो की वैल्यू डालेंगे, x बराबर दो पर px का मान, बहुपद px का मान हो जाएगा। मान क्या हो जाएगा देखते हैं, एक बार p में जगह हम यहाँ पे दो डाल देंगे, दो यानी 2 का square minus 2 × 2, ये कितना हो जाएगा 4 minus 4, कितना आ गया 0, यानी अतः x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक है, अतः x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक है, अतः ये शून्यक है। अब एक बार देख लेते हैं ये शून्यक है कि नहीं, ये जीरो शून्य है कि नहीं। तो मेरा बहुपद क्या था, px मेरा क्या था, px था मेरा x square minus 2x, तो x बराबर जीरो पर हम इसका मान देख लेंगे, तो p में जीरो डालेंगे, यहाँ पे 0 का square minus 2 × 0, 0 का square 0 होता है, 0 minus 0 कितना हो जाएगा 0, यानी x बराबर 0 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। तो ऐसे हम किसी भी बहुपद के शून्यक को सत्यापित करते हैं। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसमें क्या है, पहला पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें पहला पार्ट में कह रहा है कि एक हमें बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 5x minus
4x स्क्वायर प्लस में 3x, ये मुझे बहुपद दे दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें बहुपद के शून्यक बताइए, इनमें तीन तीन दिया हुआ, मैं कभी करा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है हल, हल, फिर इस लिखेंगे कि माना 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 पी एक्स बराबर ये, इसका पी एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पी एक्स मान लेंगे। इसका पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है कि एक्स बराबर जीरो पर इस बहुपद का क्या मान होगा। तो पहला पार्ट में क्या है कि एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पद पर बहुपद पी एक्स का मान, पी एक्स का मान, पी एक्स का मान। तो एक्स बराबर जीरो पर बहुपद पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो आप यहां पे रखेंगे, बराबर ये हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई जीरो माइनस 4, जीरो का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी, अब जीरो का स्क्वायर जीरो और जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, जीरो प्लस में 3, तो ये कितना आ गया 3। यानी x बराबर जीरो पर, यानी अतः x बराबर जीरो पर बहुपद पी एक्स का मान, पी एक्स का मान 3 है, बहुपद पी एक्स का मान 3 है। अब इसका दूसरा पार्ट, अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि x बराबर माइनस एक पर, x बराबर माइनस एक पर बहुपद पी एक्स का मान क्या होगा, बहुपद पी एक्स का मान क्या होगा। तो क्या लिखेंगे आप, x बराबर माइनस एक पर बहुपद पी एक्स का मान, वो तो लिख देंगे, बहुपद पी एक्स का मान लिख देंगे। तो दूसरा पार्ट में हमें ये करना है, क्या करना है, तो ये मेरा पी एक्स था, तो पी एक्स में एक बार माइनस वन डालेंगे, पी एक्स में एक बार माइनस वन डालेंगे, और यहाँ पे एक्स की जगह माइनस वन डालते जाएंगे, माइनस वन माइनस फोर माइनस वन का स्क्वायर प्लस में 3, ये हो जाएगा, ये माइनस वन मल्टीप्लाई 5 माइनस 5। और ये देखिए इसमें देखिए क्या है कि किसी भी, कोई भी संख्या अगर माइनस में हो, कोई भी संख्या अगर माइनस में हो और उसकी पावर कोई इवन नंबर हो, इवन नंबर का मतलब सम संख्या, यानी कोई भी संख्या अगर माइनस में हो और उसकी घात अगर इवन नंबर है, तो आंसर में मुझे प्लस मिलेगा, आंसर में मुझे क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अगर कोई संख्या माइनस में है, अगर कोई संख्या माइनस में है और उसका घात अगर ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो मुझे घात में क्या मिलेगा, आंसर में क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो ये मेरा माइनस का वन है, यानी एक संख्या है जो माइनस में है और उसकी घात एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो मेरा आंसर किस में मिलेगा, प्लस में। तो ये प्लस का एक हो जाएगा, एक एकम एक, एक गुना चार, चार ही रहेगा, ये हो जाएगा, और प्लस में 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9 प्लस में 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 6। यानी आप इसमें लिख देंगे नीचे कि अतः x बराबर 1 पर बहुपद पी एक्स का मान माइनस 6 होगा, माइनस 6 होगा। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए क्या है, तीसरे में बोल रहा है कि x बराबर 2 पर, तीसरे में क्या बोल रहा है कि x बराबर 2 पर पी एक्स का मान बताइए, x बराबर 2 पर पी एक्स का मान देखिए क्या होगा, कि इसमें क्या कर देंगे, px की जगह 2 रख देंगे, px की जगह 2 रख देंगे, और हर जगह x की जगह 2 2 डालते जाएंगे, माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 3 कितना होता है, माइनस का 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी नीचे इसमें भी लिख देंगे, अतः x बराबर 2 पर बहुपद px का मान माइनस तीन होगा। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी जीरो पी वन पी टू का मान ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन का ही उल्टा दिया हुआ, पिछले वाले में हमें एक बहुपद दे दिया था और उसका हमें इन इन पर मान ज्ञात करना था। अब क्या कहें, नीचे बहुत सारे बहुपद दे दिए हैं और उस पर इन इन पर मान ज्ञात करना है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ, मुश्किल सा ये मैं दूसरा पार्ट इसका करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप सब आसानी से कर लेंगे, आसान है। दूसरा मैं करके दिखा दे रहा हूँ। दूसरा क्या बहुपद दिया हुआ है, पीटी दिया है कि पीटी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, हमें ये दिया हुआ है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये टी है मेरा, ये मैं टी थोड़ा मैं ऐसा बनाता हूँ, टी है, ठीक है, ये टी है। तो ऐसे हमें करना है, देखिए क्या है, अब एक बार क्या करेंगे कि P0 पर बहुपद PT का मान क्या हो जाएगा। एक बार T की जगह 0 रख देंगे तो 2 था ही, प्लस में T की जगह 0 प्लस में 2, 0 का स्क्वायर माइनस में 0 का क्यूब, तो यहाँ पे 2 0 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 का क्यूब, तो 0 0 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। यानी अतः बहुपद PT का मान
P0 पर दो होगा, P0 पर दो होगा, आप ऐसे लिख देंगे। अब एक बार हमने P0 पर रखा, एक बार P1 पर रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। P1 पर देखते हैं क्या मान आता है। P1 पर क्या आ जाएगा, यहां पे मैं 2+t की जगह 1+2t का टी नहीं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, 2+1 2 और 1 3, प्लस में 2, प्लस माइनस में 1, कितना हो जाएगा ये 3+2 5-1 4 हो जाएगा, 3+2 5-1 4 हो जाएगा। तो यहां पे फिर से लिख देंगे, अतः P1 पर, अतः P ब्रैकेट 1 पर बहुपद PT का मान 4 होगा। अब क्या करेंगे, P ब्रैकेट 1 पर बहुपद PT का मान 4 होगा, आप ऐसे लिख देंगे। अब एक बार 2 रख के देख लेते हैं क्या आता है, दो रख के देखेंगे तो क्या जाएगा, ये तो 2 पहले से ही था, ये कितना हो जाएगा 2+2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये दो चार हो गया, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, और 4 × 2 = 8, और माइनस में 8, तो 8 × 4 = 0, इसका भी 4 आ गया, इसका भी कितना आ गया 4 आ गया। तो इसमें भी लिख देंगे, अतः P ब्रैकेट 2 पर बहुपद PT का मान 4 होगा, बहुपद PT का मान 4 होगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के एक बार फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या, हर एक क्वेश्चन आसान है पर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है कि P1 समय दिया हुआ है x-1 और x+1 हमें P0 P1 और P2 पर इन सभी की वैल्यूज फाइंड करनी है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस बहुपद का मान बताना है। तो देखिए इसको करने का दो तरीका है, इसको करने का क्या है, दो तरीका है। आप इस बहुपद को, आपको इस बहुपद को इस रूप में बदलना पड़ेगा। इस बहुपद को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा कैसे लिख दिया मैं आपको अभी समझा रहा हूं। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a+b और a-b का, ये फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। यही सिचुएशन मुझे इसमें दिख रही है, a-b a+b। तो मैं क्या इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x² - 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता। अब ये x² ही रहेगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस पूरे की जगह ये रख दिया। तो एक तो ये तरीका है कि आप क्या करें कि इस पूरे बहुपद को इस रूप में लिख लें, और फिर एक बार P0 पर इसका मान पता कर दें, तो 0² - 1 हो जाएगा, जो कि -1 के बराबर है। P1 पर इसका मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। P2 पर इसका क्या मान हो जाएगा 4-1, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, या तो अगर आपको वो नहीं करना है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट ही इस पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू डाल दें। P0 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह आप 0 डाल दीजिए, तो 0-1, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे भी 0 डालिए, तो 0+1 हो जाएगा। तो 0-1 तो -1 ही रहेगा, -1 × 1 -1 ही आएगा। देखिए यहां से हमने जब P0 पे निकाला तो -1 आया, और यहां से भी P0 पे भी -1 ही आ रहा है। P1 पे देखिए क्या मान आ रहा है, P1 पे देखिए क्या है, यहाँ पे 1 डालेंगे -1 और 1+1, 1 में से 1 जाएगा 0 गुना 1 और 1 2, तो 0 में कुछ भी गुना हो आंसर तो 0 ही आने वाला है। तो P1 पे 0 आ रहा है आंसर, P1 पे इधर भी 0 आ रहा है। P2 पे देख लीजिए इस तरीके से, P2 पे क्या आ जाएगा, 2-1 और 2+1, ठीक है। तो 2 में से 1 गया 1 और 2+1 2+1 3, 2+1 3, तो 3 × 3 आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से करिए, आंसर वही आएगा। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट को ऐसे करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है पर ठीक है, ठाक है, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आगे इसका थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो तीसरे का पहले पार्ट को एक बार सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में क्या दिया हुआ है, p
px दिया हुआ है 3x plus 1, जिसमें संगत बहुपद क्या दिया है, x बराबर 1 - 1/3। तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि नीचे बहुपद जो दिया हुआ है ये इसका शून्यक है कि नहीं, ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो इसका शून्यक आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूं, शून्यक है कि नहीं इसको हमें सत्यापित करना है। तो इसका मान, x का मान जब आप px में रखेंगे, अगर इसका पूरा मान जीरो आ गया तो शून्यक है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो p में क्या करेंगे, माइनस 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3, और प्लस में 3 से 3 कट गया, माइनस 1 प्लस का 1 यानी 0 आ गया, यानी ये संगत बहुपद जो है वो px का शून्यक होगा। तो ऐसे ही करेंगे, बहुत ही आसान है, ऐसा मैं कितने क्वेश्चंस करा चुका हूं। तो इसमें कोई कोई आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा, कौन सा पाई वाला है, तो पाई वाला भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। आप इसमें सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। एक बार मैं आपको और करके दिखा, पाई वाला एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट जो है इसका, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, इसकी संगत क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, p में एक बार 4/5 रखिए, फिर इसके बाद 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, तो 4 माइनस पाई हो जाएगा, 4 माइनस पाई इसका सॉल्यूशन आएगा। जीरो नहीं आया मतलब इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब शून्यक नहीं है, यानी ये जो संगत बहुपद है इस px बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप करेंगे। इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन को, उसमें दो मुझे x का शून्यक दिया हुआ है, इस दोनों को एक एक बार डाल के देखेंगे, अगर जीरो आ रहा है तो शून्यक होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। इसमें आपको मुझे लग रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन में दिक्कत होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें मॉडुलस दे दिया है, इसमें क्या दे दिया है, मॉडुलस दे दिया है। तो मॉडुलस इसमें भी, इसमें कोई खास नहीं है, इसमें x का मान आप पुट करके निकाल देंगे उतना आ जाएगा आपको। एक बार थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट को देखिए, थर्ड क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट को देखिए। इसमें मुझे px कितना दिया हुआ है, px दे रहा है मॉडुलस x प्लस m, मॉडुलस x प्लस m, ये जो डंडा होता है उसका मतलब होता है मॉडुलस बोलते हैं इसको, और इसमें x बराबर मुझे क्या दिया है, -1/-m/l दिया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इस टाइप के मॉडुलस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कि जैसे मान लीजिए मैं मॉडुलस में कोई भी नंबर रखूं, यानी इन दो डंडों के बीच में मैं कोई सा भी नंबर रखूं, आंसर प्लस में आता है, आंसर प्लस में आता है। कैसे, मान लीजिए मैं माइनस एक्स रख रहा हूं तो आंसर एक्स आएगा, अगर मैं प्लस का एक्स रख रहा हूं तब भी आंसर एक्स आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। अगर मान लीजिए मॉडुलस के बाहर माइनस प्लस है, मॉडुलस के बाहर माइनस प्लस है, तब जाके ये माइनस आएगा। मॉडुलस का अंतर यही होता है कि मॉडुलस के अंदर माइनस है तो आंसर तब भी प्लस ही आता है। तो ठीक है, एक बार हम इस पे एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, यानी p में मैं एक बार -m/l पुट करके देखूंगा। तो देखिए क्या आता है, मॉड में इसको रहने दीजिए, एक्स की जगह -m/l डाल दीजिए और इधर प्लस में एम कर दीजिए, प्लस में एम कर दीजिए, फिर देखिए इसको अंदर ही अंदर एक बार इसका कीजिए, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, L आ जाएगा, और LCM इसमें आ जाएगा माइनस का M, और ये प्लस में हो जाएगा LM, प्लस में क्या हो जाएगा, LM हो जाएगा। इसको ऐसे कर दीजिए, ये मॉड हो गया, इसमें अगर कुछ कॉमन निकालना है तो M कॉमन ले लीजिए, बच के गया -1 - 1 प्लस का L अपॉन में L, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी अभी भी जीरो नहीं आ रहा है, यानी ये जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है, यानी ये जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन ऐसे करेंगे, अब पढ़ते इस थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को ऐसे करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन को इसको देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का हमें शून्यक बताना है। क्या करना है, बहुपद का शून्यक बताना है, जिसमें से पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति दी हुई है px इज इक्वल टू x प्लस 5, मुझे इसका क्या बताना है, शून्यक बताना है। तो किसी भी बहुपद का शून्यक बताने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, शून्यक पता निकालने के लिए क्या बोला था, कि मैंने उस पूरे बहुपद को जीरो के बराबर रख दीजिए, उस पूरे बहुपद को क्या कीजिए, जीरो के बराबर रख दीजिए। तो उसमें जो चर का मान होगा, वही उस बहुपद का शून्यक होगा, यानी बहुपद px का शून्यक कितना है, -5 है, ठीक है। तो ऐसे इसका दूसरा पार्ट एक बार देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट में है कि px हमें दिया हुआ है
x माइनस फाइव दे दिया, तो क्या करना है, इस बहुपद को जीरो के बराबर रखिए, तो चर का मान कितना आ जाएगा, प्लस का फाइव, यानी ये मेरा शून्य हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड वाला है, थर्ड भी आप कर लेंगे, फोर्थ भी आप कर लेंगे, फिफ्थ भी आप कर लेंगे, सिक्स्थ को देखिए एक बार, सिक्स्थ को आप एक बार देखिए, सिक्स को देखिए, पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स, तो इस ए एक्स को आप जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, जीरो बटा ए, जो कि जीरो के बराबर है, जीरो बटा ए जो कि जीरो के बराबर है, तो जीरो इस बहुपद का जीरो हो जाएगा, जीरो इस बहुपद का शून्य हो जाएगा, जीरो इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। फिर उसके बाद सिक्स्थ भी हो जाएगा, और उसके बाद सेवन्थ, सेवन्थ में देखिए क्या करना है, सेवन्थ में देखिए क्या करना है, सेवन्थ को आप कैसे करेंगे, पी एक्स को जो है, पी एक्स को जो है सी एक्स प्लस डी के बराबर है, यह हमें दिया हुआ है, तो सिंपल सा सी एक्स प्लस डी को आप जीरो के बराबर रखेंगे तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू माइनस डी ओपन सी हो जाएगा, यानी माइनस डी ओपन सी ही इस बहुपद का शून्य है, यानी माइनस डी अपॉन सी ही इस बहुपद का शून्य है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 2.2 खत्म होता है, और बहुत ही आसान चैप्टर है ये, सारे क्वेश्चन आसान है, मैंने सारे ए टू जेड कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अगर इसमें से कोई भी आपको डाउट भी आता है अगर, तो आप कमेंट कीजिए, मैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर किसी क्वेश्चन में छूट, जैसे कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराया हूं क्योंकि वो आसान आसान थे, अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो मैं उसका सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, नहीं तो आपको समझा के मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।